फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे BSNL सिम के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जियो और एयरटेल BI ने अपना यहाँ पर प्राइस हाइक कर दिया है, और जब से प्राइस हाइक किया, अपने टैरिफ प्लान को उन्होंने बढ़ा दिया है, तब से लोग जो है BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं। बट उनको पोर्ट करवाने के बाद एक समस्या आ रही है कि उनके कितने दिनों में उनका BSNL का सिम पोर्ट होगा, वो उनको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोगों का सिम अभी तक प्रोसेस में ही पड़ा हुआ है, सिम में नेटवर्क आने के बाद भी उनका फ़ोन यहाँ पर जो है नहीं एक्टिवेट हुआ है, ना ही कॉल कर पा रहे हैं, ना यहाँ पर डेटा यूज कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। तो उसके लिए कितने दिन का समय लगेगा, क्या प्रोसेस होने वाला है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो फ्रेंड्स बने रहेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स जब BSNL का सिम आप ले लेते हैं, जैसे ही आप अपना पोर्ट लिख के सेंड कर देते हैं 1900 पर, और उसके बाद पोर्ट लिख के सेंड कर देते हैं, आप मैसेज आता है, पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको सिम मिल जाता है। अपने सिम आप अपने फ़ोन में लगा लेते हैं, और उसके बाद आपको जो समय लगता है वो 72 घंटे का समय लगता है। ये आपको हो सकता है रिटेलर ना बताए, या आपके जो BSNL जहाँ सिम से लेकर आए हुए हैं वहाँ पर ना बताए, बट मैं आपको बता रहा हूँ 72 घंटे का समय लगता है। और 72 घंटे का समय इस तरह से लगता है, अगर आप फ्राइडे को आपको सिम ले रहे हैं तो आपको वहाँ पर संडे काउंट नहीं करना है, मंडे को एक्टिवेट होने की जगह वो आपका ट्यूजडे को एक्टिवेट होगा। तो आप इतने दिन का मतलब 4 दिन का समय लीजिएगा। अगर आप मंडे को कर रहे हैं तो आपको 3 दिन का समय लगेगा। इस तरह से आपने BSNL को सिम का पोर्ट करवाएंगे तो 3 दिन का मतलब 72 घंटे का समय लगेगा। और साथ में अगर आपका एक्टिवेट हो जाता है, अगर आपके सिम में नेटवर्क आ जाता है, आपका फ़ोन नेटवर्क आ जाता है, और उसके बाद अगर आपका सिम नहीं चल रहा है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट रिचार्ज करवाना होगा अपने रिटेलर से, अपने जो भी जहाँ सिम लेकर आए हुए हैं उससे फर्स्ट FRC करवाना होगा, तब जाके आपका सिम एक्टिवेट होगा। कोई भी यहाँ पर कॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं, 1503 1507 इस पर कहीं भी आपको कॉलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिम जैसे ही फर्स्ट रिचार्ज होगा, 72 घंटे बाद ऑटोमेटिक आपका जो नेटवर्क आ जाएगा, फिर आप उससे कॉलिंग कर सकते हैं, उसका डेटा यूज कर सकते हैं। तो ये था क्लियर फ्रेंड्स कि आपके कितने दिनों बाद सिम एक्टिवेट होगा। तो 72 घंटे बाद या 4 दिन बाद आप ना समझ लीजिए आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा। तो आई होप मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।